Welcome in Inspiring English Academy. You have successfully been enrolled for Business English Expressions with Vocabulary. Now 41st. 41st is what? Have someone's work cut out. Bahut hi katin kaam hona. Bahut hi katin kaam hona. That is, she has to sell $35,000 worth of products by the end of the month. She has her work cut out for her. उसे इस महीने के अंत तक $35,000 के मूल्य के उत्पाद बेचने होंगे जिस महीने उसने अपना काम खत्म कर दिया है. बहुत ही कठिन काम है. Have someone's work cut out. My boss gave me a big target, but I have my work cut out already. मतलब मेरे बॉस ने मुझे बहुत बड़ा टारगेट दिया है लेकिन मैं पहले से ही मुझे बहुत सारे काम मेरे पास है. इफ यू हैव योर वर्क कट आउट डोंट गेट मोर ऑर्डर्स. आई रिपीट, इफ यू हैव योर वर्क कट आउट डोंट एक्सेप्ट मोर ऑर्डर्स. यदि आपके पास पहले से ही बहुत काम है, कठिन काम है, बहुत काम है, तो आप नए ऑर्डर्स मत लो. आप नए ऑर्डर्स मत लो. दैट इज हैव सम वर्स वर्क कट आउट. ओके, नाउ हिट द नेल ऑन द हेड. सच्चाई बताना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? हिट द नेल ऑन द हेड मींस सच्चाई बता देना. टू हिट द नेल ऑन द हेड मींस टू डू और से समथिंग 100% करेक्टली. आई एग्री विद जॉन 100%. I think he really hit the nail on the head. मैं जॉन से 100% सहमत हूँ. मुझे लगता है कि उसने वास्तव में सच्चाई बता दी थी. Hit the nail on the head. सच्चाई बता देना. Understand? So when my accountant showed some corruption in the account, and he hit the nail on the head of my boss. जब मेरे अकाउंटेंट ने अकाउंट में करप्शन बताया तो उसने बॉस को सच्चाई बता दी. My accountant hit the nail on the head by showing the mistakes in the account. I agree that my brother is right because he is hitting the nail on the head. मैं सहमत हूं कि मेरा भाई सही बोल रहा है क्योंकि वह सच्चाई बता रहा है. All my colleagues were against me, but I hit the nail on the head and everybody agreed with me at the end. मेरे सभी colleagues मेरे विरुद्ध थे लेकिन मैंने सच्चाई बता दी और अंत में सभी लोग मुझसे सहमत हुए. That is hit the nail on the head. If you are honest in your duties and if you hit the nail on the head, then nobody will blame you. Everybody will respect you. आप यदि honest हो और आप यदि सच्चाई बता रहे हो तो आपको कोई भी ब्लेम नहीं करेगा और आपको रिस्पेक्ट करेगा. दैट इज हिट द नेल ऑन द हेड. इन अ नटशेल इट मींस संक्षेप में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ नटशेल? संक्षेप में. इन अ नटशेल दिस बुक इज अबाउट हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. इन अ नटशेल दिस बुक इज अबाउट हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. संक्षेप में. इन अ नटशेल इट मींस संक्षेप में. संक्षेप में यह पुस्तक कर्मचारियों को प्रेरित करने के तरीके के बारे में है. इन अ नटशेल. प्लीज डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम्स इन अ नटशेल. कृपया आपके प्रॉब्लम्स आप संक्षेप में बताइए. आई डोंट हैव मोर टाइम. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. व्हेन द प्रोफेसर गेव अ बिग लेक्चर एट द एंड स्टूडेंट्स टोल्ड हिम to describe the summary of the lecture in a nutshell. जब
लेक्चरर ने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया तो बच्चों ने समरी संक्षेप में बताने के लिए कहा. इन अ नटशेल आई कैन से दैट दिस बिजनेस इंग्लिश एक्सप्रेशंस विद वोकैबुलरी कोर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अमेरिकन एंड ब्रिटिश क्लाइंट्स क्लियरली. इस कोर्स का को मैं यदि संक्षेप में बताऊं तो ये मैं बता सकता हूं कि यह कोर्स आपको अमेरिकन और ब्रिटिश क्लाइंट को समझने के लिए बेहतर है. दैट इज इन अ नटशेल इट मींस संक्षेप में. इन अ नटशेल इट मींस संक्षेप में. नाउ नेक्स्ट इन फुल स्विंग. आई थिंक एवरीबडी नोज दिस वर्ड्स. इन फुल स्विंग में इट मींस जोर शोर से. दैट इज कॉल्ड इन फुल स्विंग. Construction on the new site is in full swing now. मतलब नए साइट पर निर्माण अब जोरों पर है. That is construction on the new site is in full swing now. Okay. Nowadays vaccination in Maharashtra is in full swing. Maharashtra में vaccination जोर शोर से है. महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन जोर शोर से है. नाउडेज कोरोना पेशेंट्स आर नॉट इन फुल स्विंग इन पुणे. दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीबडी दैट कोरोना पेशेंट्स इन पुणे आर नॉट इन फुल स्विंग. इट मीन्स पुणे में कोरोना पेशेंट्स अभी जोर शोर से नहीं है. मतलब ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं. Nowadays, online education is in full swing. Due to corona pandemic, online education is in full swing. Corona pandemic के कारण online education जोर शोर में है. बहुत ही बढ़ रहा है. That is in full swing. Now, next word. Next word is also very important word. In the black मतलब ऐसा लगता है जैसे काले रंग में कुछ हो. लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है. इट इज एन idiom एंड इट इज पॉपुलरली यूज्ड idiom इन अमेरिका विद ब्रिटिश क्लाइंट्स विद अमेरिकन क्लाइंट्स. सो इफ अ कंपनी इज इन द ब्लैक इट मींस दैट इज मेकिंग अ प्रॉफिट. बैंक में पैसा होना. इन द ब्लैक इट मींस बैंक में पैसा होना. I am in the black. What is the meaning of it? मेरे बैंक में पैसा है. Don't worry. मेरे बैंक में पैसा है. Okay. We are not having a great year, but at least we are in the black. Okay. हमारा वर्ष अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कम से कम हमारे बैंक में पैसा तो है. That is in the black. We are in the black. Okay. Multinational companies are in the black. It means multinational companies के पास बैंक में बहुत सारा पैसा है. Nowadays only technology and pharmacy companies are in the black. आजकल only technology और pharmacy companies के पास बैंक में बहुत सारा पैसा है. In the black it means bank में पैसा होना या profit कमाना. That is called in the black. Many businessmen who did not save for their future before the lockdown, they are not in the black. Lockdown के पहले जिन्होंने saving नहीं की है उनके बैंक में अभी पैसा नहीं है. वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड इन द ब्लैक. ओके.